राष्ट्रीय सूर्य नमस्कार दिन पर कल्याण में 10,000 से ज्यादा छात्रों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार किया, जिसमें खास बात यह रही कि 101 साल की लक्ष्मीबाई दामले ने भी बच्चों के साथ सूर्य नमस्कार किया। पर 1 फरवरी भारत में राष्ट्रीय सूर्य नमस्कार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में कल्याण डुम्बली महानगर पालिका महिला व बाल कल्याण समिति सूबेदार कट्टा तथा माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक मुख्याध्यापक संगठन ने कल्याण के सुभाष मैदान में सामूहिक सूर्य नमस्कार किया, जिसमें कल्याण के विविध विद्यालयों के 10,662 छात्र और छात्राओं ने हिस्सा लिया। सामूहिक सूर्य नमस्कार से पहले वेटलिफ्टिंग खिलाड़ी अनिरुद्ध मोरे के हाथों दुर्गाड़ी स्थित दुर्गा माता मंदिर पर मशाल जलाई गई। यह मशाल दुर्गाड़ी से सुभाष मैदान तक लाई गई। इसके बाद मुख्य अतिथि 101 साल की बुजुर्ग महिला लक्ष्मीबाई दामले ने छात्रों को सूर्य नमस्कार का सही तरीका बताया। इस मौके पर केडीएमसी की महापौर विनीता राणे, महिला और बाल कल्याण सभापति वीणा गणेश यादव, भूतपूर्व विधायक नरेंद्र पवार, स्थानिक नगर सेवक अरुण गिद आदि मान्यवर उपस्थित रहे। सूर्य नमस्कार शाळे पासून शिकाव जाए सातव्या वर्षापासून मी आतापर्यंत सूर्य नमस्कार घालते। आता 25 रोज राहते आणि त्याशिवाय आणखीन होतात ते वेगळेच तर आणि मला काहीही त्रास होत नाही आणि कोणीही घातले तरी त्याला होणार नाही। पण मला एका ख्रिश्चन बाईंनी शिकवलेलं आमच्या शाळेमध्ये आणि तसे आम्ही नमस्कार घालतो। आत्मांच्यासारखे नाही शाळेतल्या मुलांना सांगणार तुम्हाला जर सूर्यनमस्कार घालायचे असतील तर तुम्ही म्हणजे घालता तसे घाला, त्याच्यापेक्षा काहीच प्रश्न नाही। पण ते घातले तर तुम्हाला व्यायामाला कुठेही जायला नको, घरातल्या घरात व्यायाम होऊ शकतो।